जाते हैं वे लोग जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपमान सबसे ज्यादा घर में ही होता है, तो इस अपमान से कैसे बचें, इस अपमान का बदला कैसे लें, यही आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड ऑफ बिगिन। मैं सिचुएशन वाइज आपसे बात करूंगी कि कहीं आपकी इंसल्ट तो नहीं हो रही, या कहीं जाने अनजाने आप भी तो किसी का दिल नहीं दुखा रहे, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे। जब कोई बाहर वाला अगर आपका अपमान करता है तो आप सोचिए इग्नोर कर सकते हैं ऐसे आदमी को, परवाह ना करें उस आदमी की। लेकिन अगर जब अपमान घर में होता है, कोई आपको गलत शब्द कहे, अपशब्द कहे, आपकी इंसल्ट करे, और उस कंडीशन में आपकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता है ना कि क्या करना चाहिए। अपमान का मेन कारण क्या होता है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जिन रिश्तों पे आप डिपेंड होते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं, अगर वही आपका अपमान करे तो क्या करना चाहिए? कि हमारे घर वालों को हमारी खूबियाँ, हमारी शॉर्टकमिंग, हमारी वीकनेसेस, हमारी कमजोरियाँ सब कुछ अच्छी तरह से पता होती हैं, तो बहुत ऐसे में आसान हो जाता है उनके लिए हमारा अपमान करना, क्योंकि उनको हमेशा मालूम होता है किस पॉइंट को टारगेट करना है, किस चीज़ को लेकर के सुनाना है। बिकॉज द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट एंड इट इज़ इन देयर हैंड कि आपकी इंसल्ट कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है। उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये चीज़। इस चीज़ से कैसे बचें, एक ही बात कहती हूँ आपको, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, हमेशा अपने आप को किसी ना किसी प्रोफेशन में रहिए, रखिए, वर्किंग रखिए, और किसी पर डिपेंड कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा इंडिपेंडेंट सोच रखिए। अगर आपके पास मनी होगी, करेंसी होगी, तो घर वाले और बाहर वाले, आप अपने प्रोफेशन में अगर बिजी होंगे तो भी घर वाले बाहर वाले आपका अपमान करने में हिचकिचाएंगे। हिचकिचाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी हिम्मत भी नहीं करेंगे। नंबर टू इज, देखिए, बंद मुट्ठी होती है जो लॉक की होती है। बाहर के लोग तो हमको फिर भी बहुत कुछ समझते हैं, बिकॉज ऑफ योर नेचर, योर प्रोफेशनलिज्म, आपको जो आप मेंटली स्ट्रांग है उसकी वजह से। लेकिन घर वाले कुछ नहीं समझते। वो जानते हैं आपकी कमियां और उनको पता है किस पॉइंट को हिट करना है। देखिए, कभी भी अपने आप को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, और ना ही दूसरे वाले, सामने वाले लोगों को लेने दीजिए अपने आप को फॉर ग्रांटेड। नेवर टेक योर सेल्फ एज ग्रांटेड एंड नेवर अलाउ द अदर पीपल टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। और आप अपने विश्वास की वजह से उनके, अपने जो भी आपके सीक्रेट प्लान्स होते हैं आपकी लाइफ के, उनके साथ शेयर कर देते हैं, और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। करता क्या है, बिल्कुल बकवास है, इसको कोई अच्छे से काम नहीं आता, मतलब इस तरह की सोच बन जाती है उनकी आपको लेकर के। अगर आपके बारे में कोई गलत वर्ड, गलत स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है, तो उसको दूसरा मौका मत दीजिए। कट इट, ऑब्जेक्ट इट, उसी समय ऑब्जेक्ट करिए, फर्स्ट टाइम में ऑब्जेक्ट करिए। घर वाले हों या बाहर वाले, फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दीजिए कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है और आप फ्यूचर में ये चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और अगर गलती से भी अगर आपने एक बार भी बर्दाश्त कर लिया, टॉलरेट कर लिया, मजाक में ले लिया उस चीज़ को, तो फिर इस तरह की बातों को, इस तरह के क्रिटिकल रिमार्क्स को सहन करने की शक्ति अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। नंबर थ्री, देखिए, बाहर की दुनिया में कई आपको पसंद नहीं करते, कई लेडीज़ आपको पसंद नहीं करती, आपके प्रति क्रिटिकल रिमार्क्स करती हैं, आपको बुरा समझती हैं, पीछे से आपकी बुराई करती हैं। अनडाउटेडली आप भी उनको पसंद नहीं करती होंगी, क्योंकि देखिए वाइब्स काम करते हैं, ऑरा काम करता है हमारा, कौन हमारे साथ अच्छा रखता है, कौन हमारी बुराई करता है, पता चल जाता है खुद को ये चीज़। लेकिन कभी भी बातचीत का रास्ता बंद मत करिए, क्योंकि देखिए एक बार आप किसी आदमी से नफरत करेंगे, एक हफ्ता बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो महीना बनेगा, 6 महीने बनेंगे, साल बनेंगे, और धीरे धीरे वो कई, एक ऐसी गैप हो जाएगा, एक अच्छा वाला, कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। बातचीत की गुंजाइश को कभी भी खत्म मत करिए माय डियर फ्रेंड्स। आपको पसंद नहीं है, वो भी आपको पसंद नहीं करते, पर थोड़ा सा ड्रामेटिस्ट बनिए, नाटक ही सही। केवल हालचाल पूछ लीजिए, हेलो जी, कैसे हो, बस। लेकिन अगर आपने देख करके इग्नोर कर दिया, या किसी भी बात को याद रख करके आपने अगर बिल्कुल बातचीत बंद कर दी ना, तो वो रिश्ता धीरे 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 इतना ज्यादा नफरत में बदल जाएगा ना, जिसकी हद नहीं। और हो सकता है ताउम्र के लिए ही आप इस बातचीत के रास्ते को बंद कर दें इस तरीके से, तो ऐसा नहीं करना है। बातचीत के रास्ते को कभी भी बंद नहीं करना है। आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली में जो शुरू का रिश्ता होता है ना, फीलिंग्स का, रिस्पेक्ट का, प्यार का होता है, उसमें से लव, हेट, अपमान, इंसल्ट ऐसी कोई बात नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे फैमिली एक्सटेंड होती जाती है, लोग जुड़ते जाते हैं, विचारधाराएं लोगों की बदलती जाती हैं, और कई दिमाग एक साथ काम करने लगते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये सिचुएशन शुरू होती है कि घर में ही अपमान शुरू हो जाता है। सपोज करिए एक माँ के दो बेटे हैं,
दो भाई हैं, तो वो भाई तो ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा उनके अंदर होगा, पर वो हेट्रेड और एक जो ज्वेलेसी होगी वो नहीं होगी। पर जैसे जैसे वो बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनकी भी वाइफ घर में एंटर होंगी, दो परिवारों में पली हुई अलग अलग लड़कियां घर में आएंगी, तो उनकी सोच अलग होगी और तब शुरू होंगे क्लैशेस। देखिए, दिल जुड़े ना जुड़े, लेकिन दिमाग लोगों के नहीं जुड़ने चाहिए आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अगर आपकी घर की कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग सब बैठकर बात कर लीजिए, भले क्लियरिफिकेशन देना पड़े, बातों को बैठकर क्लियर करना पड़े, लेकिन बाहर वालों को दिल के रिश्तों में अपना दिमाग मत चलाने दीजिए, क्योंकि उससे सिचुएशन और क्रिटिकल होगी, परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली। सिचुएशन को अपने आप ही टैक्टफुली हैंडल कर लीजिए ताकि शांति बनी रहे, और अपनी तरफ से कोई मौका मत दीजिए किसी को भी ये चीज करने का, इसके बारे में अपना दिमाग चलाने का, विशेष तौर पे आउटसाइडर्स को। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। कई बार लोगों की इंटेंशंस खराब होती है, आपकी इंसल्ट करने की होती है, आपको नुकसान देने की होती है, लेकिन इसके विपरीत कई बार क्या होता है, ऐसी होती नहीं है, लेकिन सिचुएशन वाइज कई बार कोई गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं, कोई अपशब्द घर वालों के मुंह से आपके लिए निकल जाते हैं। इसलिए हर एक सिचुएशन वाइज, हर एक वर्ड को घर वालों के कहे हुए भी मत लीजिए सीरियसली। पहले सोचिए कि ये चीज़ क्यों हुई होगी, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, और कभी भी कोई सिचुएशन वाइज कोई चीज़ हो ना, उसको अपने दिल दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। लोगों की बातों को कान से सुनिए, दिमाग से नहीं, और अच्छी बातों को दिल से लगाइए, दिमाग से नहीं। बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। आपके लाड़ प्यार, आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए, बहुत सारे ढेर सारे भर भर के कमेंट्स, मेल्स, और जो आपका असीमित सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय।